आपके साथ श्वेता मिश्रा। दिन भर की भागदौड़ के बीच अगर आप खबरों की दुनिया से दूर रहे या फिर टाइम की कमी के चलते आप अपने जिले अपने संभाग की बड़ी खबरों से रूबरू नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, हम आपके लिए लेकर आए एक ऐसा स्पेशल न्यूज बुलेटिन जिसका नाम है राजस्थान 10 बजे। आधे घंटे का ये शो देखने के बाद आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि हर संभाग से रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का सिलसिला और शुरू करते हैं राजस्थान 10 बजे। सबसे पहले रुख करते जयपुर संभाग का जहां की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी निजाम कंटालिया। अदालत ने आईपीसी की धारा 302 और विधि विरोध क्रियाकलाप अधिनियम की धारा 16A के तहत सभी आरोपियों को मृत्युदंड की सजा दी है। बचाव पक्ष ने जहां इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की बात कही है वहीं विशेष लोक अभियोजक ने इस फैसले का स्वागत करते हुए साफ तौर से इस मामले में बरी हुए एक आरोपी को लेकर भी अपील करने की बात कही है। अदालत अब अपने इस फैसले के आदेश की एक प्रति डेथ रेफरेंस के लिए हाईकोर्ट को भेजेगी। 13 मई 2008 को हुए 8 बम धमाकों के मामलों की सुनवाई के लिए बनी विशेष कोर्ट के जज अजय कुमार शर्मा ने चारों दोषियों के मामले में फैसला सुनाया। कोर्ट ने माना कि चारों दोषियों सैफुर्रहमान अंसारी, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजमी और मोहम्मद सलमान ने इंडियन मुजाहिदीन के अपने आकाओं के कहने पर ही जयपुर में बम विस्फोट किए थे। इस घटना में कुल 71 लोगों की मौत हुई थी, वहीं 200 के करीब घायल हुए थे। जज ने मात्र 10 मिनट में ही अपना फैसला सुना दिया। सबसे पहले सैफुर्रहमान को फांसी की सजा सुनाई गई, उसके बाद सैफ को फांसी की सजा सुनाई गई और साथ ही जज ने कहा कि इन दोनों को दी गई सजा ही सभी दोषियों को भी सुनाई जाती है और इसके साथ ही चारों दोषियों को फांसी की सजा का ऐलान कर दिया गया। कोर्ट ने माना कि चारों आतंकियों ने बम धमाकों की साजिश दिल्ली में रची थी। जज ने अपने फैसले में साफ कहा कि जिहादी मानसिकता से ये सभी बम विस्फोट किए गए थे। फैसला आया धारा 302 IPC में और 16A विधि विरोध क्रियाकलाप अधिनियम में मुलजिमों को फांसी की सजा से दंडित किया गया और 50,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया। एक आरोपी जो बरी किया गया उसके खिलाफ हम भी अपील करेंगे हाईकोर्ट। वैसे तो ये डेथ सेंटेंस जो होता है इनको तो राइट नहीं होता है, इनको रेफर करना पड़ता है, रेफरेंस है हाईकोर्ट के अंदर। तो मंडे को ये भेजेंगे तो हाईकोर्ट हमें सुनेगा इस पॉइंट के ऊपर। शील बम ब्लास्ट हुआ था तब मिसेस सोनिया गांधी भी आई थी, हम सब साथ थे उनके, जो यहाँ मंजर देखा हम लोगों ने, करीब 70 लोग मारे गए थे उस जमाने के अंदर और उसके बाद में 11 साल लग गए उसको पूरा जुडिशरी में प्रोसेस करने में या निर्णय करने में। मैं समझता हूँ कि सही निर्णय हुआ है, इस निर्णय का स्वागत करना चाहिए और ऐसे लोगों को सबक मिलना चाहिए जो कि हिंसा में विश्वास करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, मेरा मानना। जयपुर बम धमाकों के 11 साल 7 माह और 8 दिन बाद आखिरकार सभी दोषियों को फांसी की सजा सुना दी गई है। जयपुर बम ब्लास्ट विशेष अदालत के जज अजय कुमार शर्मा ने ये फैसला सुनाते हुए साफ तौर पर कहा कि इन सभी दोषियों ने आतंकवादी घटना के जरिए पूरे देश में भय फैलाने का प्रयास किया है। अदालत ने IPC की धारा 302 और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम की धारा 16A के तहत सभी चारों दोषियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। रुक करते जोधपुर संभाग का जहां की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी राजीव कौर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार का एक साल पूरा होने पर उनके गृह जिले जोधपुर में आज कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिसमें राजस्थान के कृषि मंत्री और जोधपुर के प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया ने शिरकत की। इस दौरान राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव वैभव गहलोत के अलावा सत्येंद्र भारद्वाज ने भी शिरकत की। जोधपुर के महात्मा गांधी स्कूल से सबसे पहले निरोगी राजस्थान को लेकर रन फॉर निरोगी राजस्थान का आयोजन किया गया जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। इसके अलावा जोधपुर के मेडिकल कॉलेज में निरोगी राजस्थान को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसे वैभव गहलोत और लालचंद कटारिया के अलावा स्थानीय विधायक मनीषा पवार महेंद्र विष्णु ने भी संबोधित किया। इसके अलावा जोधपुर के सूचना केंद्र में जोधपुर में एक साल में जितने भी विकास कार्य हुए उसकी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया, साथ ही विकास पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। यही नहीं, पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया ने एक वर्ष भर में
जितने भी घोषणाएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई, उनके जो कामकाज हो गए, उनकी समीक्षा रिपोर्ट भी मीडिया से शेयर की। मुख्यमंत्री जी हमेशा राजस्थान और प्रदेश की जनता के प्रति इस बात की सोच रखते हैं कि हमारा जनमानस यदि स्वस्थ रहेगा, आने वाली पीढ़ी स्वस्थ रहेगी, मनुष्य जीवन में बीमारी का कम सामना करना पड़े, उसके लिए एक जन जागरण अभियान और निरोगी राजस्थान का जो ये अभियान चालू किया है, उसी के तहत हमने जनता क्लिनिक भी खोलने की पहल की है, ताकि छोटे छोटे मोहल्लों में छोटी मोटी बीमारियों के लिए चिकित्सा सुविधा सामान्य नागरिक को वहीं उपलब्ध हो। तो ये जनता क्लिनिक की पहल करके एक राजस्थान में और देश में निरोगी राजस्थान के अभियान के रूप में नई पहल मुख्यमंत्री जी ने की है, आने वाले समय में इसके अच्छे परिणाम रहेंगे। कुल मिलाकर के ये जो दौरा वैभव गहलोत लाल से कटारिया कर रहा, इस दौरान सर्किट हाउस में उन्होंने जन सुनवाई भी की, आम लोगों की जन समस्याओं को सुना, उनके समाधान के लिए अधिकारियों से बातचीत भी की है। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले में एक साल में जितने भी कामकाज हुए हैं, साथ ही निरोगी राजस्थान को लेकर के एक संदेश देने की कोशिश की गई, जिससे कि स्वस्थ रहेगा राजस्थान तभी तो आगे बढ़ेगा राजस्थान। उदयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी रवि शर्मा। राज्य सरकार के गठन का एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज लेक सिटी उदयपुर में भी आयोजित हुई विकास प्रदर्शनी। प्रभारी मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने किया इस प्रदर्शनी का उद्घाटन। शहर के सूचना केंद्र में आयोजित हुई इस प्रदर्शनी में विभिन्न विभागों की ओर से किए गए विकास कार्यों का किया गया है प्रदर्शन। प्रदेश की गहलोत सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज उदयपुर में विकास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। शहर के सूचना केंद्र में विभिन्न विभागों की वार्षिक उपलब्धियों पर आयोजित इस विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रभारी मंत्री भंवरलाल मेघवाल ने किया। इस मौके पर प्रभारी मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने साफ किया कि राज्य सरकार ने अपने एक वर्ष के कार्यकाल में जनता से किए गए वायदों को पूरा किया है। यही नहीं, मेघवाल ने बताया कि सरकार ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में अपने गठन के साथ ही 78 लाख महिला और पुरुषों की मासिक पेंशन राशि में वृद्धि की, जबकि पिछली सरकार में इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मेघवाल ने साफ किया कि राज्य की गहलोत सरकार ने आम जनता से जुड़े हर विभाग में जनहित को ध्यान में रखते हुए कार्य किए हैं। इस मौके पर जिला कलेक्टर आनंदी सहित कई गणमान्य अतिथि भी मौजूद रहे। 78 लाख ऐसे महिला एवं पुरुष जिनको वृद्धावस्था पेंशन मिलती थी, प्रत्येकता, विधवा, निशक्जन, ये जो पेंशन मिलती थी वो 2000 से 2019 के बीच में एक पैसे की बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन राजस्थान की सरकार बनते ही कैबिनेट के पहला फैसला लिया कि इन 78 लाख के हर महिला और हर पुरुष को 500 रुपये जिसको मिलता है उसको 750 और 750 मिलता है, यानी 75 साल से ऊपर वाले को 1000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। विकास प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद मास्टर भंवरलाल मेघवाल पत्रकारों से भी रूबरू हुए और उन्होंने साफ किया कि राज्य की गहलोत सरकार ने अपने एक वर्ष के कार्यकाल में कई ऐसे सुनहरे कार्य किए हैं जो आम जनता के लिए खासे लाभप्रद साबित हुए हैं। अजमेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं भीलवाड़ा से हमारे सहयोगी नवीन जोशी। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार के एक साल पूर्ण होने पर आज अजमेर संभाग में चारों जिलों में उत्साह के साथ में कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रमुख कार्यक्रम अजमेर संभाग मुख्यालय पर आयोजित हुआ। प्रभारी मंत्री प्रमोद जैन भाई की अध्यक्षता में आयोजित हुए समारोह के दौरान जहाँ पर विकास की यात्रा के बारे में बताया गया, इसी दौरान प्रभारी मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा कि राज्य सरकार विकास के कामकाज को लेकर प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में प्रदेश में सरकार जो जो बजट घोषणाओं में किए गए योजनाएं हैं अमल लाने का काम किया जा रहा है। प्रमोद जैन भाया ने इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बजरी की समस्या और बजरी को लेकर आई दिक्कतों के लिए राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार जिम्मेदार है, उसकी गैर जिम्मेदार कार्रवाइयों के चलते ही आम आदमी को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस बीच प्रमोद जैन भाया ने यह भी कहा कि राजस्थान सरकार बजट घोषणा के साथ साथ चुनावी घोषणा पत्र पर भी अमल कर रही है, सूबे के मुख्यमंत्री इसके लिए पूरा फोकस किए हुए हैं। वहीं नागौर में आयोजित एक साल के कार्यक्रम के दौरान
प्रभारी मंत्री सुखराम बिश्नोई ने सरकार के एक साल के कामकाज पर प्रकाश डाला। वहीं विकास की यात्रा को लेकर सरकार द्वारा किए जा रहे कामकाज पर खासा फोकस बताया। एक साल सरकार के पूरे हुए हैं, उस संबंध में जयपुर में भी मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह मीडिया के माध्यम से आपको बताया, यार यहाँ भीलवाड़ा में भी प्रभारी सेक्रेटरी साहब और हम सब लोग मिलकर जो इस जिले में जो एक साल में उपलब्धियाँ हुई, आने वाले समय में जो मैंने आपको भी बताया था, दृढ़ संकल्प है सरकार इस चीज़ को लेकर कि आम लोगों में राहत रहे, निरोगी राजस्थान रहे, बेरोजगारों को रोजगार मिले। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रयासों से नागौर में मेडिकल कॉलेज की जो घोषणा हुई है उसके बाद में वित्तीय स्वीकृति भी त्वरित कार्रवाई के साथ में की गई है। उधर टोंक में आयोजित एक सालाना कार्यक्रम के दौरान श्रम मंत्री व प्रभारी मंत्री टीकाराम जुली ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार विकास के कामकाज के साथ साथ आम आदमी की राहत की जो पैकेज है उनकी भी लगातार घोषणा कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का फोकस किसानों पर कामकाज के साथ साथ किसान की आय वृद्धि करना है। बीकानेर संभाग की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी लक्ष्मण राघव। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर अब छोटे शहरों में भी गतिरोध बढ़ता जा रहा है। आज बीकानेर में बड़ा प्रदर्शन हुआ। रैली के तौर पर बड़ी संख्या में लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे, जमकर केंद्र सरकार के नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की गई। साथ ही साथ प्रतीकात्मक तौर पर एक युवक को इस तरह से लाया गया जो कि जंजीरों में जकड़ा था और मुंह पर पट्टी बांधी हुई थी। हालांकि इस प्रदर्शन को सर्वदलीय और सर्व समाज का प्रदर्शन करार दिया गया है, लेकिन कांग्रेसी नेताओं की सक्रियता रही। साथ ही साथ मुस्लिम और दलित समाज के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कांग्रेस के विधायक गोविंद मेघवाल, पूर्व मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष महेंद्र गहलोत के अलावा अल्पसंख्यक समाज के कई नेता मौजूद रहे। इन नेताओं का कहना था ये कानून संविधान की आत्मा के खिलाफ है, धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन गलत है। देखिए, ये आंदोलन से ज़्यादा आम जन की भावना है। आपस के भाईचारे के लिए हमारा यह देश पूरी दुनिया में जाना जाता है। संविधान के साथ जो छेड़छाड़ की जा रही है और मुद्दों के साथ लोगों को गुमराह करके भ्रमित करने का जो प्रयास किया जा रहा है, इसके खिलाफ आम जन लामबंद है। और ये कोई राजनीतिक पार्टी विशेष का कार्यक्रम ना होकर के सर्वदलीय कार्यक्रम है। तो ये चाहते हैं कि यहाँ जितना ये अमन था इसके अंदर खलल हो रहा है, ये नए नए सोचे उठ रहे हैं, नई नई बातें उठ रही हैं, ये बड़े सोच खराब हो रही है, इसलिए जो है ना मेरी जनता बहुत परेशान है। देखिए, इसमें सभी समाज के लोग हैं। हकीकत में पिछले 5 साल से मोदी जी और अमित शाह एक साजिश के तहत हिंदुस्तान के संविधान को खत्म करने में लगे हुए हैं। कुल मिलाकर प्रदर्शन कलेक्ट्रेट में तो शांतिपूर्ण रहा, लेकिन प्रदर्शन के बाद शाहदुल सिंह सर्किल पर तोड़फोड़ हुई, वाहनों के शीशे तोड़े गए, जिसमें भाजपा के नेताओं ने विरोध जताया है। जिलाध्यक्ष ने कहा इस तरह की घटना गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं। बाद में कुछ हिंदूवादी संगठन के लोग भी पहुंचे और उन्होंने कार्रवाई की मांग की है, लेकिन फिर भी कहा जा सकता है जिस संख्या में भीड़ पहुंची थी उसके बाद कुल मिलाकर प्रदर्शन शांतिपूर्ण ही रहा है। कोचा संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी भंवर एस चारण। छात्र आंदोलन में छात्र नेता अपनी बात को रखने और अपनी मांग को मनवाने के साथ ही विरोध प्रदर्शनों के लिए भी अनोखे तरीके इजाद करते रहते हैं। कुछ ऐसा ही आज कोटा में देखने को मिला, जहां पर महाविद्यालय के छात्रों ने अपनी बात को रखने और अपनी मांग को मनवाने के लिए एक अनोखा तरीका इजाद किया और बीच कॉलेज में बैठ करके और मुंडन करवाया। ये पूरा माजरा राजकीय महाविद्यालय कोटा का है, जहाँ के छात्र अभिषेक नागर ने अपने एक साथी छात्र के साथ आज कॉलेज में मुंडन कराया। असल में ये छात्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग कर रहे थे, लेकिन महाविद्यालय ने अंतिम तिथि तो बढ़ाई नहीं, उल्टे छात्रों से लेट फीस की वसूली शुरू कर दी और इसी लेट फीस वसूली का विरोध करने के लिए छात्रों ने कॉलेज में अपना मुंडन कराया। जिस प्रकार यूनिवर्सिटी छात्रों के साथ अन्याय कर रही है और जो फार्म बनने की जो लास्ट डेट वो शुल्क रहता है ना, 3 दिन ही रहता है वो, और अधिकतर ये यूनिवर्सिटी 12 दिन तक लेट फीस से फॉर्म भरा रही है और स्टूडेंट कहाँ तक भरेंगे ऐसे। कॉलेज छात्रों को महाविद्यालय परिसर के बीच में बैठकर इस तरह से मुंडन कराते देखकर महाविद्यालय में एक बार की तमाशे के हालात बन गए, लेकिन दोनों छात्रों ने अपना पूरा मुंडन कराया और बाद में मुंडन कराए बालों को लेकर के महाविद्यालय प्राचार्य को भेंट करने के लिए पहुंच गए। इसके साथ ही इन छात्रों ने एक बार फिर से अपनी इस मांग को जोर शोर के साथ बुलंद किया कि लेट फीस की वसूली को बंद किया जाए और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को महाविद्यालय बढ़ाने की घोषणा करे। और भरतपुर संभाग की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं धौलपुर से हमारे सहयोगी विनोद तिवारी।
भरतपुर में आज घना कोहरा होने के कारण सड़क हादसे में 30 यात्री घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय के अलावा निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। भरतपुर डीग मार्ग पर कंजोली फाटक के पास लोहागढ़ डिपो की बस की ब्लंट डंपर से हो गई, जिसमें रोडवेज में सवार 30 यात्री घायल हो गए, जिन्हें पास के निजी चिकित्सालय के अलावा RBM अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना के बाद सेवर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा। दरअसल भरतपुर से लोहागढ़ डिपो की बस मथुरा जा रही थी, तभी अचानक मथुरा बाईपास के पास घना कोहरा होने की वजह से सामने आ रहे तेज गति के डंपर से रोडवेज की बस टकरा गई। आमने सामने हुई भिड़ंत के बाद दोनों मार्गों पर लंबा जाम लग गया। पहली बार घना कोहरा पड़ने के कारण यातायात भी ज्यादा प्रभावित रहा। वहीं कुछ यात्रियों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई और रोडवेज के चालक को गंभीर हालत के चलते छुट्टी नहीं मिल पाई। वहीं मौके पर ट्रेन को बुलाया गया, जिसके बाद रोडवेज की बस को और डंपर को सड़क मार्ग से हटाकर वापस से रास्ते को सुचारू किया गया। तो सभी संभागों से बड़ी खबर बताने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। चलिए अब चलिए बढ़ते हैं आगे। राज्यपाल कलराज मिश्र के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर पूरे प्रदेश भर से उनको बधाई दी जा रही है और इसी मौके पर फर्स्ट इंडिया के चैनल है जगदीश चंद्र भी राजभवन पहुंचे। जगदीश चंद्र ने राज्यपाल कलराज मिश्र से शिष्टाचार भेंट कर उनको राजस्थान में राज्यपाल बने 100 दिन पूरे होने पर बधाई दी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े जैसलमेर दौरे पर हैं। उन्होंने यहां मिलिट्री स्टेशन के वॉर म्यूजियम का अवलोकन किया और सैन्य अधिकारियों से 1965-1971 के युद्धों के वीर योद्धाओं की जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने सम के रेतीले धोरों पर ऊंट की सवारी की तो लोक संगीत और नृत्य का भी लुत्फ उठाया। इससे पहले CGI ने तनोट में विजय स्तंभ पर शहीदों को नमन किया तो परिवार के साथ भारत पाक बॉर्डर का जायजा लेने पहुंचे, जहां उन्होंने कड़कड़ाती सर्दी में ड्यूटी कर रहे जवानों से मुलाकात की तो महिला जवानों के जज्बे ने भी उन्हें खासा प्रभावित किया। इस मौके पर BSF अधिकारियों और जैसलमेर बार एसोसिएशन की ओर से CGI का अभिनंदन भी किया गया। CGI पत्नी और परिवार के 6 सदस्यों के साथ गुरुवार से जैसलमेर के 4 दिन के दौरे पर है। राजस्थान पुलिस के बेड़े में आज 391 नए कांस्टेबल शामिल हो गए। बीकानेर में हुई दीक्षांत परेड समारोह में ADG प्रशिक्षण नीना सिंह की मौजूदगी में सभी की पासिंग आउट परेड हुई। इस दौरान जाबाजों ने कई हैरतअंगेज प्रदर्शन किए तो मार्शल आर्ट का भी प्रदर्शन किया। इस बैच की खास बात यह रही कि 391 कांस्टेबल में सिर्फ एक महिला कांस्टेबल ने प्रशिक्षण लिया। दीक्षांत परेड के दौरान ADG नीना सिंह ने जवानों से कहा कि आपका जोश, उत्साह और कमिटमेंट ही आपको मजबूत बनाता है। नई बैच की एकमात्र महिला कांस्टेबल त्रिवेदी चौधरी ने भी खुद के राजस्थान पुलिस का हिस्सा बनने पर खुशी जाहिर की। हमारे 391 रिक्रूट्स हैं जो आज पासिंग आउट परेड में शामिल हुए हैं और इसके बाद अब ये विभिन्न जगहों पे इनकी पोस्टिंग होगी। लड़की थी तो उस वजह से है ना बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी आई शुरू में, लेकिन फिर उसके बाद सब लोग बहुत हेल्पफुल थे, सबने बहुत अच्छी। बीच में अकेली लड़की रह रही है तो किस तरीके से वो खुद को मैनेज करेगी, वो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है कि ये वाले लाइफ के जो पार्ट्स है, ये टाइम है, ये मैं कभी नहीं भूलूँ, कभी भी नहीं। बीकानेर के वाणिज्य कर विभाग में व्यवहारी संवाद और सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें जिले के टॉप 3 टैक्स पेयर को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री सालेह मोहम्मद, प्रभारी सचिव आर वेंकटेश्वर, कलेक्टर कुमार पाल गौतम और सेल्स टैक्स के ज्वाइंट कमिश्नर रजनीकांत पांडे मौजूद रहे। कार्यक्रम में GST से जुड़ी समस्याओं का ACTO सुनील रिड़वा ने निस्तारण किया। मंत्री महोदय साहिल मोहम्मद जी भी आए थे, उनके हाथों से हमने 3 जो संभाग के टॉप टैक्स पेयर थे, जिन्होंने वित्तीय वर्ष 18-19 में सबसे ज़्यादा टैक्स पे किया था GST में, उनको सम्मानित किया। एवं बीकानेर जोन रेवेन्यू के बारे में अभी जो इस साल पिछले साल की तुलना में 46% ग्रोथ कर रहा है और हम कोशिश करें कि ये ग्रोथ बरकरार रहेगी और इसको और आगे बढ़ाने का हम प्रयास करेंगे। नागौर जिले के नावा में एक शादीशुदा युवक के लिए इश्क जानलेवा साबित हुआ। खटीको के मोहल्ले में रहने वाले कमल किशोर ने 20 दिन पहले ही अपनी पत्नी को तलाक दिया था। दरअसल युवक की शादी हुई और जिसके बाद से उसकी प्रेमिका ने उसे तलाक के लिए दबाव डाल रखा था। युवक ने प्रेमिका के कहने पर अपनी पत्नी को तलाक भी दे दिया, लेकिन उसके बाद प्रेमिका ने युवक से शादी नहीं की और इसी से परेशान होकर युवक ने सुसाइड किया। सुसाइड से पहले युवक ने प्रेमिका के कई फोटो और 4 पन्नों का सुसाइड नोट अपलोड किया है। कमल कुमार नाम के व्यक्ति ने कड़े के लटक कर फांसी खा ली है, जिस पर मौके पर पहुंचकर वहां पर उसका भाई किशोर उपस्थित मिला, जिसने एक रिपोर्ट दी कि मेरा भाई
काफ़ी दिनों से प्रेम प्रसंग के कारण दिमाग से मानसिक संतुलन खराब था, जिस कारण आज सुबह उसने कड़े के लटक कर फांसी खा ली, जिसका राज के चिकित्सालय में पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। और चलिए शिक्षा बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के उस पार गुलाबी नगरी की हम खबरें आपको दिखाएंगे, गुलाबी सिटी में बने रहिए हमारे।